हेलो एवरीवन, वेलकम टू इवन स्टडी पॉइंट। तो फ्रेंड्स, MP NHM के द्वारा 31 जुलाई 2021 को आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था और फ्रेंड्स इसके बाद यहाँ पर आपकी कल आंसर की जारी कर दी गई थी। तो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में शिफ्ट 2 में आए हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगी। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, इन एन इमरजेंसी सिचुएशन द आइडियल प्लेस टू फील द पल्स इज। यानी क्वेश्चन में कहा गया है कि इमरजेंसी सिचुएशन में कौन से आइडियल प्लेस की पल्स को फील करते हैं। ऑप्शन 1 एपिकल, ऑप्शन 2 कैरोटिड, ऑप्शन 3 पॉप्टीशियल, ऑप्शन 4 डॉर्सैलिस पेडिस। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 कैरोटिड। यानी इमरजेंसी सिचुएशन में हम कैरोटिड पल्स को फील करते हैं। कैरोटिड पल्स नेक में सिचुएटेड होती है। क्वेश्चन नंबर 2, इन AVPU स्केल P रिफर्स टू। क्वेश्चन में पूछा गया है कि P डिनोट करता है, P किसको डिनोट करता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी कि AVPU स्केल का यूज़ लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को चेक करने के लिए किया जाता है, जहाँ पर A डिनोट करता है अलर्ट या अवेक को, P डिनोट करता है वर्बल को, V डिनोट करता है वर्बल को, P डिनोट करता है पेन को और U डिनोट करता है अनरिस्पॉन्सिव को। तो फ्रेंड्स यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 पेन। AVPU स्केल में P रिफर्स टू पेन। क्वेश्चन नंबर 3, इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस यू कैन स्टॉप गिविंग CPR एक्सेप्ट। यानी यहाँ पर कंडीशंस दी गई हैं, किन कंडीशंस में CPR स्टॉप कर देना है एक्सेप्ट यानी एक को छोड़कर। ऑप्शन 1 व्हेन द पर्सन इज ब्रीथिंग, यानी जब पर्सन ब्रीथ कर रहा हो, सांस ले रहा हो, उस कंडीशन में। ऑप्शन 2 व्हेन बाइसाइडर्स टेल टू स्टॉप CPR, यानी जब आसपास के लोग कहें कि CPR स्टॉप कर देना है। ऑप्शन 3 When you are too exhausted to continue, मतलब कि कंटिन्यू करने में कठिनाई हो रही हो, बहुत ही ज़्यादा थक गया हो इंसान, उस कंडीशन में CPR स्टॉप कर देना है। ऑप्शन 4 द सीन बिकम्स अनसेफ टू कंटिन्यू, यानी कंटिन्यू करना सेफ ना हो उस कंडीशन में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन 1 में कहा गया है व्हेन पर्सन इज ब्रीथिंग, यानी पर्सन जब सांस ले रहा हो, तो हमेशा जो CPR देते हैं वो अनकॉन्शियस पेशेंट को ही देते हैं। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन यू कैन स्टॉप गिविंग CPR एक्सेप्ट, यानी इन सभी कंडीशंस में CPR देना स्टॉप कर देना है एक को छोड़ के। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 व्हेन बाइसाइडर्स टेल टू स्टॉप CPR, यानी अगर आसपास के लोग, दर्शक कहते हैं कि CPR देना स्टॉप कर देना है उस कंडीशन में। क्वेश्चन नंबर 4 द पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर इज ऑल्सो कॉल्ड एज। क्वेश्चन में कहा गया है कि पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर को अन्य किस नाम से जाना जाता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2 स्वान गैंज कैथेटर। क्वेश्चन नंबर 5 द कॉमन कॉज ऑफ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस आर ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया है कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के सभी कॉजेज हैं एक को छोड़कर। ऑप्शन 1 में दिया गया है अस्थमा, ऑप्शन 2 है हेड इंजरी, ऑप्शन 3 है निमोथोरेक्स, ऑप्शन 4 है डायबिटीज़ मेलाइटस। तो जो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के कॉज होते हैं वो होते हैं अस्थमा, हेड इंजरी और निमोथोरेक्स। यानी यहाँ पर पूछा गया है एक्सेप्ट, यानी एक कोई इसमें से रेस्पिरेटरी एसिडोसिस का कॉज नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 डायबिटीज मेलाइटस। क्वेश्चन नंबर 6 द नॉर्मल आर्टेरियल ब्लड पीएच इज। क्वेश्चन में कहा गया है कि नॉर्मल आर्टेरियल ब्लड पीएच कितना होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 7.35 to 7.45 नॉर्मल वैल्यू है आर्टेरियल ब्लड पीएच की। क्वेश्चन नंबर 7 द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ स्क्रब नर्स इन ऑपरेशन रूम। क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्क्रब नर्स की ऑपरेटिंग रूम में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हैंडलिंग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट टू सर्जन, यानी स्क्रब नर्स क्या करती है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को हैंडल करती है, यानी उसका क्या करती है, उसको संभालती है। क्वेश्चन नंबर 8 द नर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइल अप्लाइंग अ रेस्टेंट, यानी नर्सेस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है जब नर्स रेस्टेंट को अप्लाई करती है। ऑप्शन 1 में कहा गया है डॉक्यूमेंट द टाइप ऑफ रेस्टेंट यूज़, यानी नर्स को डॉक्यूमेंट कर लेना है जिस भी टाइप का रेस्टेंट यूज़ किया जा रहा है। ऑप्शन 2 डॉक्यूमेंट द पेशेंट्स बिहेवियर, यानी पेशेंट के बिहेवियर को भी डॉक्यूमेंट करना है। ऑप्शन 3 में कहा गया है ऑलवेज अप्लाई आफ्टर अ रिटन ऑर्डर फ्रॉम द फिजिशियन एक्सेप्ट इन इमरजेंसी, यानी इमरजेंसी कंडीशन को छोड़ के हमेशा रेस्टेंट अप्लाई करेंगे आफ्टर रिटन ऑर्डर फ्रॉम द फिजिशियन। ऑप्शन 4 ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पर जो नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है रेस्टेंट अप्लाई करते समय, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दिस, ये सभी नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं जब नर्स रेस्टेंट को अप्लाई करेगी। क्वेश्चन नंबर 9 विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग इंटरवेंशन विल एड टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ GERD, यानी गैस्ट्रो इजोफेशियल रिफ्लेक्स डिजीज़। GERD को रिड्यूस करने के लिए नर्स क्या नर्सिंग इंटरवेंशन करेगी, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2 एलिवेट द हेड एंड ऑफ द बेड, यानी नर्स क्या करेगी, बेड के हेड एंड को एलिवेट कर देगी। GERD में क्या होता है, GERD में गैस्ट्रिक जूस का रीगजिटेशन होता है, यानी बैक फ्लो होता है। तो जब नर्स एलिवेट कर देगी बेड के हेड को, तो उससे क्या होगा, पेशेंट को रिलीफ मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 10 एन एल्डरली पेशेंट इज एडमिटेड विद निमोनिया, विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज ऑफ ग्रेटेस्ट कंसर्न फॉर द नर्स वाइल परफॉर्मिंग फिजिकल असेसमेंट ऑफ द पेशेंट, यानी एक बुज़ुर्ग व्यक्ति है जिसको निमोनिया हुआ है, नर्स जब फिजिकल असेसमेंट करेगी तो चिंता का विषय इनमें से क्या है। ऑप्शन 1 में कहा गया है कॉन्शियस एंड अलर्ट, ऑप्शन 2 में कहा गया है क्लियर ब्रीथ साउंड, ऑप्शन 3 में कहा गया है कैपिलरी रिफिल टाइम ग्रेटर देन 3 सेकेंड्स, और ऑप्शन 4 में कहा गया है हीमोग्लोबिन 16 ग्राम पर DL। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है कैपिलरी रिफिल टाइम ग्रेटर देन 3 सेकेंड्स, यानी 3 सेकेंड से ज़्यादा टाइम लग रहा है कैपिलरी रिफिलिंग में, ये एक चिंता का विषय है। क्वेश्चन नंबर 11 प्यूपेरल सब्सिस इज द इन्फेक्शन डेट अकर विद इन, यानी क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्यूपेरल सेप्सिस इन्फेक्शन का यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन पूछा गया है कि कब होता है। ऑप्शन 1 6 वीक आफ्टर डिलीवरी, ऑप्शन 2 8 वीक आफ्टर डिलीवरी, ऑप्शन 3 10 वीक्स आफ्टर डिलीवरी, ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर प्यूपेरल सेप्सिस की जो कंडीशन होती है वो देखने को मिलती है। 6 वीक आफ्टर डिलीवरी, यानी डिलीवरी के 6 वीक के बाद ये कंडीशन देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 12, प्यूपेरियम पीरियड बिगेंस आफ्टर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्यूपेरियम पीरियड किसके बाद से स्टार्ट हो जाता है। ऑप्शन 1 में कहा गया है क्राउनिंग अगर अप टू 4 वीक्स, बर्थ ऑफ द बेबी अप टू 4 वीक, सपरेशन ऑफ प्लेसेंटा अप टू 4 वीक्स, सपरेशन ऑफ प्लेसेंटा अप टू 6 वीक। यानी जो प्यूपेरियम पीरियड होता है वो स्टार्ट होता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4, सपरेशन ऑफ प्लेसेंटा अप टू 6 वीक, यानी प्लेसेंटा के सपरेशन होने के बाद 6 वीक तक प्यूपेरियम पीरियड का टाइम पीरियड रहता है। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हार्मोन ऑक्सीटोसिन इज सिक्रीटेड बाई। क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन सिक्रीट होता है किसके द्वारा सिक्रीट होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी पोस्टीरियर पिट्यूटरी के द्वारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन का सिक्रीशन होता है। क्वेश्चन नंबर 14, एट 20 वीक्स द हाइट ऑफ द यूट्राइन फंडस इज। 20 वीक्स पर जो फंडस की हाइट होती है वो कितनी होती है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2, 1 फिंगर अंडर द अम्लाइकस, यानी नाभि के नीचे 1 उंगली तक हाइट रहती है फंडस की। एट 20 वीक्स यानी 20 वीक पर इतनी हाइट रहती है। कितनी हाइट रहती है? 1 फिंगर अंडर द अम्लाइकस। क्वेश्चन नंबर 15, जीरोसिस इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ। क्वेश्चन में पूछा गया है कि कंजक्टाइवल जीरोसिस जो देखने को मिलती है वो किसकी डिफिशियंसी की वजह से देखने को मिलती है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी जितनी भी आइज़ की प्रॉब्लम्स होती हैं मैक्सिमम विटामिन ए की डिफिशियंसी की वजह से होती है। क्वेश्चन नंबर 16, राइबोफ्लेविन डिफिशियंसी रिजल्ट इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। यानी राइबोफ्लेविन की डिफिशियंसी से ये डिजीज़ हो जाती हैं जो दी गई हैं एक को छोड़कर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर राइबोफ्लेविन यानी विटामिन B2 के बारे में बात की गई है। ऑप्शन ए एंगुलर स्टेमेटाइटिस, ऑप्शन 2 सीलियोसिस, ऑप्शन 3 ग्लोसाइटिस, ऑप्शन 4 पेलिक्रा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर करेक्ट आंसर है पेलिक्रा। पेलिक्रा जो होता है वो विटामिन B3 यानी नियासिन की कमी के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 17, द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी इज। क्वेश्चन में पूछा गया है कि विटामिन सी का रिचेस्ट सोर्स क्या होता है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, आंवला। यानी जितने भी खट्टे फ्रूट्स होते हैं उसमें क्या होता है, विटामिन सी पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, द काइंड्स ऑफ फूड ऑन विच अ पर्सन और ग्रुप लिव्स इज कॉल्ड। यानी उस जिस प्रकार के भोजन पर कोई व्यक्ति या समूह जीवित रहता है उसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स उसको कहते हैं डाइट, यानी आहार। जो हम डेली इंटेक करते हैं वो क्या होती है, डाइट, जिस पे हम लोग क्या जीवित रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल फॉर सिंपल लिपिड्स। लिपिड्स मीन्स फैट, यानी इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है सिंपल फैट का। कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स, फॉस्फोलिपिड्स, PUFA। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सिंपल फैट या सिंपल लिपिड का एग्जाम्पल है ऑप्शन 2, ट्राइग्लिसराइड्स। क्वेश्चन नंबर 20, द स्मॉलर यूनिट ऑफ प्रोटीन which are needed for the formation of new tissues is called, यानी न्यू टिश्यूज़ के फॉर्मेशन के लिए प्रोटीन की स्मॉलेस्ट यूनिट पूछी गई है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है एसेंशियल एमिनो एसिड्स। जो एसेंशियल एमिनो एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्मॉलर यूनिट होते हैं प्रोटीन के, जो कि मसल्स का फॉर्मेशन करते हैं।